हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ कीर्तिराज वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू पुणे मोटरसाइकिल क्लब ऑफिशियल। और जैसे आपको पता है कि मॉनसून चल रहा है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का मॉनसून तो एक नंबर होता है। ठीक है, हम महाराष्ट्र पुणे में ही रह के फिर क्यों ना मॉनसून का फ़ायदा होता है, तो इसी बात को लेकर मॉनसून पॉइंट जो फेमस मलशेज घाट, ठीक है, मलशेज घाट पड़ता है अपना नासिक रोड पे, नॉट एग्जैक्टली नासिक रोड बट वाया नासिक रोड जाके जुन्नर होते हुए मलशेज घाट आता है। मलशेज घाट इज़ अ वेरी सीनिक व्यू जो ऑन द वे बहुत सारे वाटरफॉल्स और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी एंड मस्त अच्छा एक माहौल मिलेगा। तो उसी को एंजॉय करने के लिए आज हम लोग ऑलमोस्ट 25 राइडर्स निकल रहे हैं, और मीटिंग पॉइंट है हमारा, हम जहाँ पे खड़े हैं दिस इज़ द भोसरी चौक बाज़ार, ठीक है, जस्ट क्लोज टू द भोसरी बस स्टॉप। अब यहाँ से बस निकलेंगे, ठीक है, और बीच में जस्ट सीनिक व्यू का मज़ा लेते हुए मलशेज को एंजॉय करेंगे, और तब तक आप भी बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है। अभी यहाँ पर ब्रीफिंग चल रहा है और देख सकते हो आज कितनी सारी बाइक है, फुल अपने राइडर एकदम उत्साह में। तो वही है, बस मॉनसून का मज़ा लेते हुए जाएंगे, ठीक है, कहीं पे ब्रेकफास्ट भी करेंगे। दिस इज़ एक्चुअली ब्रेकफास्ट राइड बट थोड़ा दूर है, यहाँ से मलशेज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पड़ता है जुन्नर होते हुए, ठीक है, और 360 का भी मज़ा उठाएंगे। आई ट्राई टू शूट सम वेरी गुड सिनेमेटिक शॉट बाय 360, ठीक है, कुछ अच्छे माउंट्स भी लिए, और ट्रायल एंड एरर बेस पे आई एम ऑल्सो लर्निंग दैट हाउ टू रिकॉर्ड प्रॉपरली। तो जल्दी से जल्दी अच्छा हाथ बिठा के मास्टरी लेके अच्छे अच्छे वीडियोज़ हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे, ठीक है, बट आप तब तक बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे। जस्ट मॉनसून तो अभी चालू हुआ है, मॉनसून के बाद विंटर होगा, तो पूरा राइडिंग सीजन का त्रास होता असेल तर सिंपली एक हात वर कर अशी गोष्ट, आणि फ्यूल लागलं तर फ्यूल, आणि जर असा सिग्नल आला तर स्पीड अप, आणि असा असेल तर स्लो डाऊन, ठीक आहे। आणि जसं यांनी सांगितलं की काही खड्डा वगैरे असेल, स्पीड ब्रेकर पण आला तरी तुम्ही हात काढू शकता किंवा पाय काढू शकता। एक बार आपको फिर से अपना लाइनअप दिखा देते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट मलशेज पहुंच गए हैं, अभी थोड़ी देर में मलशेज वो जो टनल है, ठीक है, मलशेज व्यू पॉइंट वो आने में, बट उसके पहले देखो रोड की हालत क्या हो गई है जस्ट ड्यू टू द रिसेंट रेन, ठीक है, काफ़ी अच्छा बरसात पड़ा है पुणे महाराष्ट्र में, तो आप देख रहे हो ये रास्ते का काम वैसे भी चल रहा था और इन बिटवीन रेन तो उसने और अभी इतना ऑफ रोड कर दिया, लेकिन ठीक है मज़ा आ रहा है ये ऑफ रोड करने में भी। धीरे धीरे जा रहे हैं, आगे कुछ लोग हैं पीछे कुछ लोग हैं, तो धीरे धीरे अपना लाइन अप अपने पॉइंट पर पहुँच रहा है। अच्छे सीनिक व्यू देखने मिलेंगे आगे, फिलहाल तो मेरा ध्यान रास्ते पे, नहीं तो मैं आपको डायरेक्शनल में बताता कि कहाँ पे क्या व्यू है। लेकिन ऊपर देखो जो हिल है थोड़ा सा कवर हो चुका है क्लाउड से या फॉग है जो भी है, तो रास्ते पे भी ध्यान रखना पड़ रहा है, बिकॉज स्लीपरी भी बहुत है। और ये रहा शुभम, शुभम कर रहा है फ्लाई, तो उधर खड़ा हुआ है कि कोई रास्ता चूक ना जाए, बिकॉज अभी क्या है ना थोड़ा आगे पीछे लोगों का, कुछ लोग आगे कुछ लोग पीछे, और अरे बाप रे, बीच बीच में छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग। चलो अभी मिलते हैं पॉइंट पे, यहाँ तो बीच में कुछ अच्छा कुछ व्यू आया तो मिलते हैं पक्का।
टाइप विचार तो दिस इज द मलशेज पॉइंट, एक टनल है छोटा, ठीक है, नॉट लाइक कातरच वाला बोगदा, छोटा सा टनल है। वहाँ से ऐसे मतलब ऊपर से ऐसे पूरा वाटरफॉल होता है, उसके पहले एक अच्छा खासा वाटरफॉल है, और यहाँ पे बोलते ना जो दरी खाई वो पूरा है। बट अभी इट्स नॉट अनफॉर्चुनेटली, बट फॉर्चुनेटली इतना फॉग है कि नहीं दिख पाएगा, फिर भी मैं दिखाने का ट्राई करता हूँ कुछ दिखे तो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितना ट्रैफिक है, मतलब वीकेंड के हिसाब से के ट्रैक पर। ट्रैक करने नहीं आए थे, जिधर तक हो सके वहाँ तक अपन ने बाइक लाई, कुछ और आगे जा सके। मैंने यहीं पे अपनी पार्क करी है थोड़ी देर पहले, शील और ये लोग भी इधर ही पार्क कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा चल के जाएंगे और वहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जो आज हम लोग देखने आए थे। तो आप देखो रोड पूरा ट्रैक के लायक रोड है। सो ये बीच में वाटर क्रॉसिंग, चलते चलते अपने कुछ राइडर लोग इसको भी क्रॉस करके गए। देखो ऊपर से कहाँ से कैसे पानी आ रहा है फोर्स से। अभी एक का गाड़ी यहाँ पे गिर गया था, देखो वो जो जा रहा है इधर पूरा ऐसे गिर गया था, पूरा पेट्रोल का टैंक वगैरह सब कुछ डूब गया था। मुझे लगा अभी पानी तो जाएगा तो चालू नहीं, पर हो गई चालू, ऑब्वियसली बजाजे तो हो गया चालू। थैंक्स, लव यू। तो कुछ लोग अपने आगे एक बड़ा जो वाटरफॉल है वो गए हैं। हम अभी चार लोग इधर बैठ के टाइम पास कर रहे थे, हमको ये पॉइंट अच्छा लगा तो अभी हम लोग इधर बैठे हुए थे। यहाँ पे भुट्टा मैगी वगैरह खाया अच्छा।
सो गाइस वी हैव फाइनली रीच काड़ू वाटरफॉल. जैसे आप पहले वीडियो में देख ही लिया रहेगा कि हम लोगों ने मार्शल्स घाट किया है, बट अभी काड़ू वाटरफॉल. सो नाउ मैं आपको जरा पास से दिखाता हूँ, बट वर्स्ट पार्ट इज कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड इट्स नॉट रियली ईजी. हम लोग ने राइडिंग गियर्स में ये कम्प्लीट किया है. बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था, सो ऑन पानी वाटर क्रॉसिंग वगैरह ये सब मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में, बने रहना. फिलहाल के लिए मैं काड़ू वाटरफॉल का आपको नज़ारा दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है. हमारे साथ हमारे कुछ खास मेंबर है, नीलू भाऊ घर ने एवडे उपाशी की डायरेक्ट बनवायला मदद करता था. नीलू भाऊ कांदा बिंदा ना टाको मैगी प्लीज. नीलू भाऊ इतने भूखे है कि उन्होंने डायरेक्ट ये एंड बाकी सब लोग ने चिप्स वगैरह खाकर अपना थोड़ा सा ये किया. यहाँ पर किधर तो वाटरफॉल है, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ जो कि बहुत फेमस है, बट द थिंग इज दैट इतनी भीड़ है वो एंड वाटर लेवल इज ऑलरेडी हाई. सो हम लोग तो क्रॉस नहीं करेंगे, ये हम लोग ने देख लिया, अब दूर से एक फ़ोटो खिंचवाएंगे एंड देन आगे जाएंगे. ये बहुत फेमस है, आपने देखा ही रहेगा रील्स वगैरह में. एंड वी आर डन फॉर टुडे, इट्स अन्नपूर्णा फैमिली रेस्टोरेंट, सो दैट्स वेयर वी हैड कम फॉर आवर लंच व्हिच वी हैड एट 6 एंड इट्स डिस्पर्स, एवरीवन इज़ गोना गो होम. And we'll meet you until the next time and next ride. Till then, go hard or go safe and ride safely. Bye-bye. Take care.